क्या आप जानते हैं ओपीटीटी के बारे में? ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मिर्क सब डिविजन पर एक छोटा सा टी गार्डन है जिसे ओपीटी नाम से जाने जाते हैं, और ये टी गार्डन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से देश विदेश में काफी फाइनेस्ट टी प्रोड्यूस करता है, और इसका चाय देश विदेश में काफी अच्छे दामों में बेचे जाते हैं। तो आइए इसके इतिहास के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ओपीटीटी गार्डन, इसका ओरिजिनल नेम है रोंगदो टी स्टेट, और बाद में इसे ओपीटीटी स्टेट के नाम से जाने लगा। और ये मिरिक लेक से अर्थात मिरिक शहर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर ये ओपीटीटी स्टेट है, जहाँ से देश विदेश में काफ़ी अच्छे दामों में यहाँ से टी प्रोड्यूस करे जाते हैं। और इसका शुरुआत हुआ था 1870s में, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे 1870 पर इसे इस्टेब्लिश किया था। और इसका खास नाम ओपीटीटी नहीं था, ये यहाँ का टी सबसे पहले ब्रिटिश क्वीन को दिया जाता था, और जब वो यहाँ के चाय लेके वो ओके टी बोलता था तो इसका टी बहुत अच्छे मात्रा में बिके जाते थे, तो उसी ओके टी से इसका नाम हो गया ओपीटीटी। और आज देश विदेश में ये काफ़ी पॉपुलर है, और यहाँ के टी देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और आज इसका ऑफिशियल नेम हो गया है ओपीटीटी यानी कि ओके टी। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे आके अपना एक दिन का टूर कर सकते हैं, और यहाँ तो ठहर सकते हैं, और नेपाल का बॉर्डर भी नज़दीक में है, काफ़ी नज़दीक है, 1-2 मिनट में हम नेपाल भी पहुँच जाएंगे। और ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं नीचे, आप ये फैक्ट्री में जाके इसका ट्रिप प्रोडक्शन कैसे होता है इसका प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको यहाँ का टूर चाहिए तो हम आपको गाड़ी सभी सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मज़ेदार वीडियो लेकर फिर आपके पास वापस आएंगे। सिर्फ आज के लिए गुड बाय।